दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीएलएड में जिन शिक्षकों ने पेमेंट किया है ऑलरेडी, आप लोगों ने सब लोगों ने कर दिया होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि लास्ट डेट फी पेमेंट का 6 मार्च था। तो सब लोगों ने यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर के फीस का पेमेंट 501, 502, 503 का 750 रुपया में कर दिया होगा। हालांकि जिन लोगों ने नहीं किया होगा उनको यहाँ पर 100 रुपये फाइन से अभी भी चल रहा है पेमेंट। एक सब्जेक्ट का अभी आपको 350 लगेगा, 100 रुपये ज़्यादा लगेगा, तो आप पेमेंट कर सकते हैं टोटल यहाँ पर। तो यहाँ पर बात अब यह है कि जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है और उन लोगों का पेमेंट हो गया है, तो अब यहाँ पर एनआईएस ने एक नया चीज़ लॉन्च किया है कि आपका पेमेंट होने के बाद आपका जो वहाँ पर पेमेंट पहुँचता है एनआईएस के पास, तो उसका जो बैंक का रेफरेंस होगा, जो जिस रेफरेंस नंबर से, जिस ट्रांजेक्शन से आपका पेमेंट हुआ है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और फ्यूचर प्रूफ के लिए आप उसे रख सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में जब भी कभी कोई ज़रूरत पड़े एनआईएस को दिखाने की या आप अपने पास प्रूफ रखने की, तो उसे वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर जो आपका पोर्टल है वहाँ पर जाएं और उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फी फॉर कोर्स 501, 502, 503 जहाँ से आप लोग पेमेंट करते थे, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो जहाँ से आपने पेमेंट किया था वहीं पर आप इनरोलमेंट नंबर अपना टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इसमें अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार का जब आपको दिखाई देगा, तो इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, फादर्स नेम, परसेंटेज इन ट्वेल्थ, कैटेगरी और स्टेटस, यहाँ तक तो था। अभी ये लोग, इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर दो चीज़ नया लॉन्च किया है, जिसमें की है बैंक नेम और बैंक TXN REF नंबर। तो ये हुआ बैंक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। तो आपका जो NIS के पास डिटेल्स पहुँचा पेमेंट का, उसमें बैंक का डिटेल्स, बैंक का नेम और बैंक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर यहां पर आपको पता चलेगा। स्टेटस आपका पेमेंट कंप्लीटेड दिखाएगा। पहले क्या था कि स्टेटस पेमेंट कंप्लीटेड के बाद यहीं तक आपका रुक जाता था, इसके बाद ये डिटेल्स नहीं आता था। तो अभी आपको यहां पर बैंक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर भी रहेगा। तो अभी कुछ लोगों के लिए आ गया है, कुछ लोगों के लिए नहीं आया है। तो क्या हो रहा है कि जब आपने पेमेंट किया है उसके बाद आपका स्टेटस बदलेगा पेमेंट कंप्लीटेड, तो जरूरी नहीं कि उसी टाइम आपका बैंक नेम और बैंक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आ जाए, वो हो सकता है कुछ टाइम उसमें लग जाए। जैसे कि अभी जो मैं आपको जिस कैंडिडेट का दिखा रहा हूँ उनका यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर अपडेट नहीं हुआ है, बस कॉलम आ गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि आप देख सकते हैं कि बैंक नेम और बैंक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ पर आएगा। तो जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये जो यहाँ पर बैंक नेम है और बैंक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है, ये NIS के तरफ का है। मतलब NIS के तरफ जो आपका पेमेंट पहुंच रहा है, तो उनके पास एक रिकॉर्ड है जिसमें कि ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर वो लोग वहां पर सेव करते हैं आपके पेमेंट के बाद। एक होता है कि जहां से आप ट्रांसफर किए, एक होता है जो उन लोगों के पास पहुंचा, तो उन लोगों के पास जो रिकॉर्ड रहता है, तो ये वो रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड से इन फ्यूचर वो लोग पता कर सकते हैं कि हाँ आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। और चूंकि आगे यहाँ पर और भी सेमेस्टर है, तो आगे के सेमेस्टर के हिसाब से भी आपने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किया है, ये NIS के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर आपको बैंक नेम और बैंक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर दिखाया जाएगा, जिससे कि आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ आपका जो पेमेंट कंप्लीटेड दिखा रहा है वो स्टेटस सही है और उस स्टेटस के कंपेरेटिवली आपको वहाँ पर पेमेंट पहुँच चुका है। तो इसको आप निकाल लेंगे पेमेंट, जो आपका ये डिटेल्स दिखाएगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसका प्रिंट ले लेंगे और उसे अपने पास जरूर सेव रख लेंगे इन फ्यूचर के लिए, जिससे कि आपको कोई भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, जब आप पेमेंट करेंगे आगे भी, तो मान लीजिए अगले सेमेस्टर का करेंगे, तो हर एक चीज़ वहाँ पर उनके भी डिटेल्स में सेव रहेगा और आपके पास भी यहाँ पर सेव रहेगा। तो ये दोस्तों, ये वीडियो में ये बात हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आगे और भी जो आप लोगों के डाउट हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे उस पर भी आगे वीडियो बनाने की। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलेंगे नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।